पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने IVF तकनीक के जरिए बेबी बॉय को जन्म दिया है। ये खुशखबरी दिवंगत गायक के पिता बालकर सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला की माता ने 58 साल की उम्र में IVF तकनीक की मदद से गर्भधारण का फैसला लिया था। फरवरी में सिद्धू की मां चरण कौर ने IVF ट्रीटमेंट कराया और मार्च में एक बच्चे को गर्भधारण करने में सफल रही और इस बात की पुष्टि सिद्धू मूसेवाला के चाचा चमकौर सिंह ने की थी। सिद्धू मूसेवाला का छोटा भाई जिस IVF तकनीक के जरिए दुनिया में आया है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जानिए डॉक्टर से कि कैसे होता है IVF तकनीक का इस्तेमाल। मैं डॉक्टर नगमा आशी हूँ। मैं अंकुरम IVF जमशेदपुर की सेंटर हेड हूँ, IVF स्पेशलिस्ट। IVF क्या होता है मैडम? IVF होता है जिन लोगों का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फॉर एनी रीजन अंदर नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए IVF होता है। उनकी अंडेदानी से अंडा निकाल के, हस्बैंड के शुक्राणु को निकाल के लेबोरेटरी में हम लोग एम्ब्रियो बनाते हैं और उनके गर्भ में डाल देते हैं। ये कितना सेफ होता है? 100% सेफ। और इसकी रेटिंग कितनी रहती है, मतलब ये 100% सक्सेसफुल होता है? 80-90% सक्सेस रेट है हमारे सेंटर का। ओके, ये कितने से कितने उम्र की महिलाएं इसको करवाती है? ये उम्र का 50 इयर्स से पहले कोई भी करवा सकता है, जो भी अबव 18 इयर्स। अबव 18 और 50 इयर्स तक की महिलाएं करवाती है, तो हमें बताएंगे क्या कि ज्यादा से ज्यादा किस एज की महिलाएं? 35 इयर्स प्लस की ज्यादा होती है। 35 की ज्यादा होती है। क्या कारण होता है IVF करवाने का? मोस्टली तो ट्यूबल ब्लॉकेड होता है फॉर एनी रीजन, वो लोग ज्यादा करवाते हैं, या किसी का किसी बीमारी के कारण या एज फैक्टर के कारण अंडेदानी ने अंडा बनाना बंद कर दिया है, वो लोग करवाते हैं, या किसी का गर्भ बच्चा धारण नहीं कर पा रहा है, वो लोग करवाते हैं। तो इसमें क्या ऑपरेट, हस्बैंड का भी कोई अगर शुक्राणु में दिक्कत हो, वो लोग भी करवाते। तो इसमें क्या ऑपरेट करवाते हैं लोग या फिर? नहीं, इसमें कोई चीरा नहीं लगता, ये एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें हम लोग इंजेक्शंस देते हैं और इवन जो अंडा निकालने का प्रोसीजर होता है वो भी एब्सोल्युटली पेनलेस होता है, कोई चीरा कोई ऑपरेशन। ये प्रोसेस कितने दिनों का होता है? ये हम लोग सिंगल साइकिल में भी कर सकते हैं या 2 महीने में करते हैं। 2 महीने में कर सकते हैं। बहुत लोगों की ये सवाल होती है कि कॉस्ट कितना पड़ जाता होगा मैडम? 1 लाख के अंदर हम लोग मिनिमम में करते हैं, 1 लाख के अंदर। और IVF के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है क्या वुमन को? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, एब्सोल्युटली सेफ।